नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा QRMP स्कीम अंडर GST। QRMP का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट स्कीम। दिसंबर 2020 तक जीएसटी के अंदर आपको GSTR 3B मंथली बेसिस पे आपको फाइल करना पड़ता था और साथ ही मंथली ही बेसिस पे ही आपको जो भी आपके जीएसटी लायबिलिटी थी उसको डिस्चार्ज करना पड़ता था। अब जनवरी 2021 से आपको QRMP स्कीम लाया गया है जिसके अंदर आपको क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट स्कीम का ऑप्शन दिया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं QRMP स्कीम क्या है। QRMP स्कीम के अंदर जो टैक्स पेयर है उनको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। वो दो ऑप्शन क्या क्या है, तो उनको जो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द जो क्वार्टर है उनके अंदर जो उनको टैक्स पे करना होगा वो दो मेथड है, फिक्स सम मेथड और दूसरा सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड के अंदर क्या होता है कि जो जीएसटी पोर्टल है आपका वो आपका एक प्री फिल चलान GST PMT 06 में जनरेट होगा, जो आपके जो पास्ट रिकॉर्ड है पिछले क्वार्टर का में जो आपने जीएसटी पे किया है वो जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे एक प्री फिल चलान जनरेट होगा। और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसमें सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है आपको खुद से असेस करना है टैक्स, असेसी सेल्फ असेस करेगा टैक्स जो भी आप उसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी जीएसटी में, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा उसको रिड्यूस करके उसको घटाकर जो टैक्स बनेगा उतना उसको टैक्स पे करना होगा। तो ये दो मेथड जो है, ये दो मेथड मतलब दो ऑप्शन टैक्स पेयर के पास रहेगा, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। आइए समझते हैं फिक्स सम मेथड के अंदर क्या होगा। तो फिक्स सम मेथड के अंदर एक 35% का चलान 35% चलान जनरेट होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर उसमें पोर्टल पर जाके रीजन फॉर द चलान सिलेक्ट करेगा, वहां पर मंथली पेमेंट फॉर द क्वार्टरली रिटर्न और उसके बाद 35% चलान जनरेट होगा। और 35% चलान जो कैलकुलेट होगा वो दो सिचुएशन आपको नीचे दिया हुआ है कि जहां पर आपका जो प्रीसीडिंग क्वार्टर का GSTR 3B रिटर्न अगर वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल है, किस बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे फाइल है, तो उस केस में आपको 35% जो भी अमाउंट पेड एज पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन प्रीसीडिंग क्वार्टर है आपका GSTR 3B रिटर्न, उसका 35% आपको पे करना होगा पहले सिचुएशन के अंदर। और दूसरा सिचुएशन के अंदर क्या है कि जहां पर आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर में मंथली बेसिस पे GSTR 3B आपका रिटर्न गया हुआ है, तो उस केस में आपका जो क्वार्टर के जस्ट पहले वाला जो मंथ है वो उसमें उसका जो जितनी भी टैक्स लायबिलिटी थी आपकी जो पे हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसका 100% अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये फिक्स सम मेथड के अंदर है, एक 35% अमाउंट पेड एज टैक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन प्रीसीडिंग क्वार्टर ऑफ GSTR 3B रिटर्न इफ इट इज फर्निश्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, और दूसरा 100% ऑफ द अमाउंट पेड एज टैक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन देयर GSTR 3B रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर इफ इट वॉज फर्निश्ड ऑन मंथली बेसिस। आइए एक चीज नोट करने वाली चीज है कि जो जनवरी और फरवरी 2021 जो ये क्वार्टर 4 ऑफ 2020-21 जो अभी चल रहा है इसमें क्या होगा, आपको एक ऑटो पॉपुलेटेड चलान जनरेट होगा अंडर 35% चलान स्कीम के अंदर। तो इसमें जो 35% जो चलान के अंदर जो जनरेट होगा उसमें आप देखेंगे कि आपको 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ द दिसंबर 2020 होगा, क्योंकि आपका जो पिछला जो क्वार्टर जो है उसमें आपका जो स्कीम था GSTR 3B जो जाता था वो मंथली बेसिस पे जाता था,
इसलिए वो जो मंथली बेसिस पे जाता था, इसलिए जो मंथ जो दिसंबर का जो मंथ होगा उसका 100% आपका चालान जनरेट होगा, वो आपके 35% चालान स्कीम में। रीजन इसका दिया हुआ है कि टिल दिसंबर 2020 ऑल टैक्स पेयर वेयर फाइलिंग जीएसटी आर 3B रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस। क्लियर है ये? अप्रैल 2020 से ऑनवर्ड्स क्या होगा, तो जैसा कि आपने देखा होगा सेकंड स्लाइड में, उसको मैंने फिर से यहां पर लिख दिया है कि अप्रैल से आपका जो ये, तो इसके पहले वाला स्लाइड में आपने देखा कि जनवरी और फरवरी 2021 की बातें हैं कि कैसे इसमें कितना टैक्स आपका जाएगा। अब अप्रैल से आप चूंकि रेगुलर हो जाएगा, तो अप्रैल से क्या हो जाएगा कि आपको जो मेथड है, ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, 35% जो भी अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर प्रीसीडिंग क्वार्टर ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न, अगर आपका क्वार्टरली बेसिस पे था फाइल तो 35%, और अगर मंथली बेसिस पे फाइल था तो जो क्वार्टर के जस्ट पहले वाला जो लास्ट मंथ है उसमें जो आपका जो टैक्स पेड हुआ है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन जीएसटीआर 3B रिटर्न, उसका 100% अमाउंट आपको पे होगा। तो ये था QRMP स्कीम के अंदर। एक चीज और है इसमें ध्यान देने वाली चीज कि टैक्स पेयर टैक्स डिपॉजिट नहीं करेगा फर्स्ट 2 मंथ में ऑफ द क्वार्टर, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशियंट टैक्स ड्यू, सफिशियंट अमाउंट है जो भी आपको टैक्स डिस्चार्ज करना है उसके लिए सफिशियंट अमाउंट है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो उस केस में आपको टैक्स जमा नहीं कराना पड़ेगा। बहुत से केस में होता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक या क्रेडिट लेजर में आपको ITC रहते हैं, तो ITC जब आपको पास रहते हैं और सफिशियंट है आपको जो टैक्स डिस्चार्ज करने में, तो आपको जो फर्स्ट 2 मंथ में आपको टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। या फिर दूसरे केस में अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है, क्या है, नील टैक्स लायबिलिटी है, तो उस केस में भी आपको टैक्स नहीं जमा कराना है। ऐसा हो सकता है ना कि आपकी टैक्स लायबिलिटी इस महीने में बिल्कुल नील है, आपने कोई सप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो आपको अगर सिस्टम से देखेंगे तो सिस्टम से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, तो आपको केस में चूंकि नील टैक्स लायबिलिटी है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप टैक्स डिपॉजिट करें। पहला वाला केस में अगर सफिशियंट बैलेंस हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है तो भी आपको फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में, आपको क्वार्टर में आपको टैक्स जमा नहीं कराना पड़ेगा। तो ये QRMP स्कीम था GST के अंदर, इसको समझना जरूरी है और हर टैक्स पेयर अपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, और इसको जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, ठीक है, आपका जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर में आप क्वार्टरली रिटर्न GST 3B गया है या मंथली बेसिस से गया है, और उसमें आपने जितना टैक्स पे किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, ठीक है, तो वहां पर यहाँ पर देखिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पे किया है उसका 35% और 100% वहां पर कैलकुलेशन होकर आपका चलान लाइबिलिटी आएगी और उतना आपको डिस्चार्ज करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग QRMP स्कीम अंडर द GST। प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी और नीड एनी क्लेरिफिकेशन, ड्रॉप योर मैसेज इन आवर कमेंट्स बॉक्स और गिवन व्हाट्सएप नंबर, सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी ऑन GST QRMP स्कीम। थैंक यू सो मच।